नवाबगंज के श्री कृष्णा इंटर कॉलेज में जुआरियों व सटोरियों ने अड्डा बना रखा है। जहां एक ओर शिक्षा के मंदिर में बच्चे ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जुआरी व सटोरी अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। आपको बताते चले, आज कॉलेज प्रबंधक एडवोकेट प्रदीप सूरी ने सूचना पर कॉलेज परिसर में निरीक्षण किया, जिसमें लगभग 2-3 दर्जन लोग जुआ व सट्टा खेलते मिले। देखिए इन चित्रों में कैसे शिक्षा के मंदिर में जुआ व सट्टा खेला जा रहा है। श्री कृष्ण इंटर कॉलेज का मोहल्ला कहारान क्षेत्र से पिछला वाला हिस्सा, इसमें 7-8 कमरे बने हुए हैं, तो उसमें गेट ना होने की वजह से वो खुला हुआ है और विद्यालय में बच्चे कम होने के कारण उसमें आजकल शिक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर जुआरियों ने उसको जुए का अड्डा बना लिया है। प्रशासन की लापरवाही के कारण जुआरी लोग खुलेआम वहाँ पर जुआ खेलते हैं। आज जब मेरे संज्ञान में जब इसे आया तो मैंने वहाँ पर जाकर के छापा मारा तो देखा कि वहाँ पर कई ग्रुपों में बैठकर लोग जुआ खेल रहे थे, और जब मैंने उनकी वीडियोग्राफी करने का प्रयास किया तो वो लोग भागने लगे। उनको मैंने चेतावनी दे करके आज मैंने छोड़ दिया, और मैंने कहा है कि यदि भविष्य में यहाँ पर अगर दोबारा जुआ खेलते हो पाएगा तो उनके खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई कराई जाएगी। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करें, ताकि विद्यालय की पवित्रता बनी रहे और विद्यालय का कैंपस का लोग दुरुपयोग अपराधी तत्व ना कर सकें। आज आपको मिलाते हैं नवाबगंज के अशरफी लाल गंगवार से, जो कि पेशे से अधिवक्ता है, साथ ही एक बेहद पशु प्रेमी है। जानवरों से उनको इतना लगाव है जिनको इन चित्रों में दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले, वकील साहब द्वारा अपने पूरे दिन की कमाई का अधिकांश भाग इन बेजुबान जानवरों के ऊपर खर्च कर दिया जाता है। तहसील परिसर व थाने में आवारा जानवरों की संख्या लगभग 2-3 दर्जन है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी जिसमें खानपान के साथ चिकित्सा की सुविधा को अधिवक्ता द्वारा जिम्मेदारी के साथ बीड़ा उठाया गया है। एडवोकेट हूँ, नवाबगंज एडवोकेट एसोसिएशन का पूर्व सचिव भी रहा हूँ। तहसील और थाना में जो पशु कुत्ते रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे, इनकी सेवा करना मैं अपना इंसानी धर्म समझता हूँ। बच्चों में भगवान का रूप होता है, इसलिए इन्हें सुबह शाम इन्हें दूध पिलाना, इन्हें सुबह शाम बिस्कुट खिलाना, ये मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ, मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है। ये कुल कितने जानवर हैं? ये करीब सबको मिला के 14-15 होंगे। आपका रोजाना का खर्चा कितना हो जाता है इनके? रोजाना का ये जैसे भी होती है, बिस्किट मंगा लेते हैं दुकान से, और बाकी 2 किलो दूध नियमित हम दूधिया से मंगा रहे हैं, वो इनके लिए पिला रहे हैं। बाकी कभी इनके कीड़े हो जाते हैं, कभी इनको मतलब खुजली हो जाती है, भैया बुखार हो जाता है, इसकी दवा भी हम कराते हैं डॉक्टर से, इनको इंजेक्शन लगवाए हैं। और कल की जो घटना तहसील नवाबगंज में परिसर में हुई है, ये छोटे छोटे बच्चे थे, वो चलने फिरने में असमर्थ थे, उसमें तहसील प्रशासन की लापरवाही से उन्होंने उसमें पानी भर दिया। तहसीलदार के आदेश से तहसील के कर्मचारियों ने उसमें पानी भर दिया और दर्दनाक मौत हो गई।